काल, भौगोलिक परिस्थिति एवं संस्कृति को परिभाषित करते हुए अपने व्यक्तित्व की रचनात्मकता और सकारात्मकता को प्रदर्शित करना ही फैशन है। इसी कड़ी में नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 2 से 4 मई तक 8वां ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक के पहले दिन के दूसरे सत्र का भव्य आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI, यासिल बुरीलो, एम्बेसडर ऑफ पनामा, अजी फत्तो मत्ताजूफ, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द गाम्बिया हाई कमीशन, सौंदर्या मेहतानी, साहिबा गुरनानी, अंकित नागपाल मौजूद रहे। फैशन शो में अलग अलग देशों की संस्कृति से प्रभावित परिधानों को खूबसूरत तरीके से पेश किया गया, जिसमें इराक, गाम्बिया, कंबोडिया, पनामा, इजिप्ट आदि देशों की खूबसूरती को फैशन शो में दिखाया गया। बता दें कि मॉडल्स ने रैंप पर अपनी खूबसूरती से 4 चांद लगा दिया और सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। कार्यक्रम में मौजूदा अतिथिगढ़ द्वारा कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया गया। इसके साथ ही न्यूज़लेटर का पोस्टर भी रिलीज किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI, ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, फैशन के रुझान अवसर तेजी से बदलते हैं और फैशन अक्सर इन प्रवृत्तियों के नवीनतम संस्करण का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फैशन एक आर्ट है। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी स्टूडेंट्स और डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की जमकर प्रशंसा की। इसी दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों को उनके देश के क्यूजीन भी चखाए गए। बता दें कि कार्यक्रम के दूसरे हॉल में AAAFT स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइन के स्टूडेंट्स द्वारा फर्नीचर एग्जीबिशन भी लगाया गया, जिसमें इजिप्ट, नाइजीरिया, पेरू, हंगरी, वियतनाम, मोरक्को, सर्बिया, घाना, इटली आदि देशों से प्रेरणा लेकर खूबसूरत प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही फैशन कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स द्वारा कॉफी टेबल बुक एग्जीबिशन भी लगाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। पहले दिन के दूसरे सत्र पे क्या कुछ खास रहा है और इस फैशन शो की क्या थीम? बहुत मजा आ रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग पहले से बहुत ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। हर बच्चा, हर स्टूडेंट और हर आने वाला गेस्ट इस वक्त बेहतरीन तरीके से अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है और उसको देखकर हम भी खुश हो रहे हैं। पहले से ज़्यादा खूबसूरत फैशन शो हुआ है और जो फर्नीचर बने हैं, तकरीबन 100 फर्नीचर हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है, जो करीब 72 मुल्कों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। कुल मिलाकर 550 गारमेंट्स जो हैं वो 72 देशों को कवर करते हुए इन 9 शो में, जिसमें हम 90 राउंड शो को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं और करीब 11 कॉफ़ी टेबल बुक बनाई गई हैं और करीब 9 जो फूड फेस्टिवल हम लोग यहाँ पर पेश कर रहे हैं, उन सबको जोड़ के अब ये महसूस हो रहा है कि दुनिया का ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल बन गया है जहाँ ये सब एक साथ एक छत के नीचे आपको उपलब्ध हो रहा है, देखने को मिल रहा है, महसूस करने को मिल रहा है। और अब ये मैं कह सकता हूँ बड़े दावे से कि 8th ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक इज़ द बिगेस्ट फैशन वीक इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। सर, कितनी बड़ी टीम है जो इस पूरी तैयारी के पीछे लगी? हम लोग तकरीबन 700 से 800 लोग हैं जो पिछले करीब 2.5 महीनों से इस पूरे कार्यक्रम को तैयार करने में लगे हुए हैं और दिन और रात काम करके हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारी फैकल्टी ने और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ज़बरदस्त आज जो मेला पेश किया है, मैं खुद बहुत खुश हूँ आज। Thank you. I could say that Mr. Marwa always surprised people. I thought he was only into news broadcasting and editing, not knowing that he's also into cuisine and fashion designing. This is very exciting and very encouraging. And above all, as I always said, he's on the way in empowering women, encouraging to be self-extended and also to be, reliable and self-motivating. This is just wonderful. Thank you, Mr. Marwa. Thank you so much. What do you think about today's event? Today's event, I think every year is getting better. The quality of the designs and the creativity
of all the people involved in this event, it's great. I think that's the most important thing, to be original and creative each year, so it can be better and improved. What kind of improvements do you think should be made? Improvement? I don't have. I think it's just perfect. It's very well organized, and it has different variety of sections of all the fashion styles included. So I think that's a good thing to have, a little bit of everything in design. What part did you find the best in today's fashion? My favorite part was the fashion show, of course, and the attitude of the models, and of course to see my country is getting inspired by some students who actually can reflect a little bit of the rainforest, the greenery we have as a country, which is Panama. Thank you. Thank you. Thank you so much.